गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। आज हम कुछ एक स्पेसिफाइड मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। तो जो भी लोग, चाहे नीलेश सर की बैच हो या पंकज सर की बैच हो, जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी वीडियो देखने का जो टाइम है वो अनलिमिटेड कर दिया है। आप कितनी भी देर वीडियो देख सकते हैं, तो आप ना मेरे वीडियो को रोक देना और सबसे लास्ट में 10 बजे रात को मेरा ये वीडियो देखना। आप सबसे लास्ट में 10 बजे रात को, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आज आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और इस डिस्कशन के बाद मैं आपकी क्लास बहुत ही डिसिप्लिनरी एक्शन से कंटिन्यू करने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप सारे के सारे लोग अभी 12th क्लास में हैं, ठीक है, बोलो यस यस, ठीक है। इस 12th क्लास में के बाद बहुत सारी फील्ड है जिसमें आप अपने आप को ले जाना चाहोगे, सेलेक्ट करोगे, मगर फिलहाल ये जो लॉकडाउन का फेज है ना, जिस लॉकडाउन फेज में आप और मैं दोनों फंसे हैं, आप अपने दोस्तों को जानते होंगे, है ना, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने दूसरी जगह पे ट्यूशन क्लास लगाई होगी, या मे बी आपके कॉलेजेस में ऑनलाइन टीचिंग के नाम पे सिर्फ मस्ती हो रही है, ठीक है, हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ, है ना। अगर आप किसी लाइव क्लास में जा रहे हो तो क्या हो रहा है आप अच्छे से जानते हो, इसलिए मैंने आपके रिकॉर्डेड क्लास ली है, ठीक है। मैं पिछले महीने 1.5 महीने से सिर्फ इसी सोच में लगा था कि मैं बच्चों को घर बैठे बैठे क्लास का फील कैसे दूं, ठीक है। तो मेरी ऐप बन के रेडी है, आईफोन की लिंक आज आ गई होगी, है ना, आप तक पहुंच जाएगी। तो अब ये मान के चलो, अच्छे से सुनो, पूरा जून, पूरा जुलाई, टेंटेटिवली पूरा अगस्त और आधा सितंबर हम लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले आपने कब पढ़ा था? इसके पहले आपने पढ़ा था 13 मार्च को। 13 मार्च को हमने क्लास ऑफ की थी लॉकडाउन। मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने का गैप हो गया है, पढ़ाई से इंटरेस्ट पूरा जा चुका है, दिमाग पूरा हट चुका है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 90% स्टूडेंट, चाहे वो टॉपर रहे हो, मीडियम रहे हो, एवरेज रहे हो, उन सबकी पढ़ाई से लिंक हट गई है, ठीक है। लेकिन अब ये लॉकडाउन के चलते, देखो इस बात को आप मानो या मत मानो, हम कितनी भी कोशिश कर ले, मेरी तो पूरी कोशिश होती है, लेकिन क्लासरूम वाला फीलिंग नहीं आ पाएगा। लेकिन अब उसके लिए हाथ में हाथ रख के बैठे रहे क्या? नहीं बैठे रह सकते, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो करें क्या, समझने की कोशिश करो। तो करें ये कि अपने आप से वादा करें कि हम 5 बजे से लेकर 7, 7:30 या 8 बजे तक लेक्चर अटेंड करेंगे। ये जो अनलिमिटेड एक्सेस है ये सिर्फ 7 दिन के लिए रहेगा। 7 दिन के बाद मैं आपके वीडियो देखने का टाइम 1 या 2 बार करा दूंगा, ठीक है, और मैं वो लॉगिन टाइम भी करा दूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक। ये मैंने सिर्फ इसलिए कराया है, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि ये वीडियो सिर्फ अपने पेरेंट्स को जरूर से दिखाएं, जरूर से दिखाएं, ठीक है। और मेरे को रिप्लाई करें ग्रुप में कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया, यस और नो। एक चीज समझ लीजिए, मेरा उसूल है कि अगर मैं कोई काम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करता हूं तो उसको बहुत सिस्टमेटिकली लेके जाता हूं। आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद मेरे तरीकों को पसंद ना करते हो, लेकिन मैं इसी तरीके से रिजल्ट लेके आया हूं आज तक, और आप मेरे पे भरोसा रखिए। इस बार का मेरा वादा है, जितने भी लोग कैलिबर में 12th में पढ़ेंगे, मेरा वादा है, एफर्ट और आपकी और मेरी दोनों की रहेगी, उन सबको अकाउंट्स में 100 out of 100 लाना, ये मैं उनकी मजबूरी बना दूंगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट में अप टू द मार्क, मेरी ये चाहत बन गई है मेरे दिमाग में कि कोई लड़का कमजोर से कमजोर हो, स्ट्रांग से स्ट्रांग हो, हर लड़के और लड़की को इस बार बहुत ही प्रॉपर तरीके से मेहनत कराने पे ये रियलाइज करा जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपकी कनपट्टी पे गन रख के नहीं, आपको समझा कर 100% मैं बता रहा हूं, हमने इतनी स्ट्रैटेजिकली प्लान किया है कि कोई भी लड़का और लड़की जिसके 10th में 50% भी अगर रहे होंगे ना, तो वो अकाउंट्स में 100 out of 100, यानी इस बार कैलिबर के मिनिमम परसेंटेज 90 आने चाहिए लास्ट में। मैं किस बेस पे बोल रहा हूं, जब मेरे पास 200 एडमिशन है और अभी एडमिशन होगी, 90 है मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10वीं में फेल हुए थे, 12वीं में आप 90 मार्क्स लाओगे, और इसके लिए मेरे को आपका सिर्फ समय चाहिए।
आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप ये बातें अपने दोस्तों से शेयर करोगे, अपने कैलिबर में पढ़ने वाले या फर्दर जो लोग फिलहाल कैलिबर में नहीं है, उनसे जब आप शेयर करोगे तो बोलेंगे ऐसा होता है क्या, सबके 90 आते हैं क्या? सर मेरे को सबसे कोई लेना देना नहीं, आप अपनी बात करो, आप सिर्फ अपनी बात करो, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि लॉकडाउन में आपने भरपूर एंजॉय कर लिया। फ्रॉम टुमारो, टुमारो 9th जून, ठीक है, 9th जून से आपको हर सब्जेक्ट का प्रॉपर लेक्चर आ ही रहा है, इंग्लिश का भी आ रहा है, अकाउंट्स का भी आ रहा है, और बिल्कुल रीस्टार्ट हम एसपी भी कर रहे हैं, ठीक है? मेरे को इसमें पूरी सिंसियरिटी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और होमवर्क भी चाहिए। अगर आप में से किसी का भी होमवर्क समय पे अपलोड नहीं हो पाता है, गलत होगा वो चलेगा, लेकिन मेरे को होमवर्क चाहिए अकाउंट्स का और इंग्लिश का, एसपी का होमवर्क 10 दिन बाद, मेरे को होमवर्क चाहिए सर, ठीक है? मैं एक बंदा बैठा के रख रहा हूं जो सिर्फ होमवर्क अटेंड करेगा। इफ बाय चांस अगर आपने होमवर्क नहीं किया सर, नहीं किया, तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 90% की बात करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, ठीक है? हम पूरे एंटरटेनमेंट, पूरे एंजॉय, पूरे लॉजिक के साथ बात करेंगे। कितनी देर का वीडियो हो रहा है भाई? 13 मिनट का वीडियो होगा, चल बहुत अच्छी बात है। अब आगे का डिस्कशन ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि पढ़ाई करो तो उससे कुछ नहीं होगा, मैं आपको अपने 3 महीने के सेशन में, जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं हो जाता, सैटरडे टू सैटरडे मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में रहेगा कि आप अपने आप का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, जैसे आपको मेरी रिकॉर्डिंग आ रही होगी, है ना? मार्केट में क्या चल रहा है, अकाउंट्स की फील्ड क्या है, और सैटरडे सैटरडे आपको एक गेस्ट लेक्चर आया करेगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ये कैलिबर के अलावा कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, घर बैठे बैठे, ठीक है? हमको बेहिसाब मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, और ऑनलाइन को क्लास का फील देना है, बस शर्त है कि आप उसमें मेरा साथ देंगे, ठीक है? अगर इसके अलावा आप कुछ और एड ऑन चाहते हैं, कुछ फैसिलिटी चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, मैं आपको जब कल वीडियो भेजूंगा तो उसके आखिरी में बता दूंगा कि नोट्स का कैसा करना, असाइनमेंट का कैसा करना, होमवर्क कैसे सबमिट करना, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अगर मेरे स्ट्रिक्टनेस से मेरे पास से 10 12 15 लोग क्लास छोड़ के भी जाएंगे ना, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को जो मेरे बच्चे रहेंगे ना, आप समझ के चलो कि कैलिबर 90% मिनिमम चाहिए मेरे को, ये मेरा ड्रीम है, टारगेट है, और हर एक बंदा अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, हर एक बंदा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस वीडियो को 10 बार सुनिए और उसके बाद रिप्लाई कीजिए, क्योंकि कल से आपका बाजा बजने वाला है। बी ऑन टाइम, होमवर्क बहुत हो गया, एंजॉय, काम पे वापस आना है, ठीक है? अगर आपका कोई साथी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड क्लास लगाना चाहता है तो आप उसमें बिल्कुल हमारी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें मैं इतना आपको बता दूं, मैं कभी ऐसा नहीं करता, बट ड्यू टू लॉकडाउन अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कैलिबर रिकमेंड करते हैं और वो एडमिशन करता है, तो मैं आपके रिकमेंडेशन पर अगर वो बच्चा मेरे पास ज्वाइन करेगा, मेरी बात को समझना, इट्स अ सिंपल ऑफर फॉर यू, अगर कोई बच्चा मेरे पास कैलिबर ज्वाइन करेगा तो आपके रेफरेंस से आएगा, तो मैं आपकी 1000 रुपीज की फीस माफ कर दूंगा, पर रेफरेंस, पर रेफरेंस। ये इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में मुझे कुछ ऑफर देना है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आपके रेफरेंस से अगर कोई बच्चा आता है कैलिबर में, आपका नाम लेके, आप साथ लेके आते हो, तो 1000 रुपीज में पर स्टूडेंट आपकी फीस माफ कर दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। कुछ और रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, और प्लीज पूछिए, मैं जवाब दूंगा। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये 4-5 दिन टेस्टिंग थे, ऐप चल रही नहीं चल रही, अभी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आईफोन वालों के लिए भी आ गया है। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली।